हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबकी शालिमा। गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शालिमा एक खूबसूरत कहानी, और आप सुन रहे हैं एक शादी ऐसी भी। तो देन आगे बढ़ते हैं। और हाँ यार, आज तो मन नहीं कर रहा था, बट ठीक है, रिकॉर्ड थोड़ा बहुत करके पोस्ट कर देते हैं, और ज़्यादा लंबा नहीं मैं पोस्ट करूँगी, छोटा सा ही पोस्ट करूँगी। तो प्रीवियस पार्ट देख लेते हैं। इधर हमारी जो कृष्णा होती हैं, जाके ईशा को समझाती हैं कि ऐसा कोई बात नहीं ही है, और कहती हैं कि उससे थोड़ा, ईशा कहती है कि डिस्टेंस बना कर रखो, उसको इतना ज़्यादा बोर मत करो। तो कहती है ठीक है, और फिर देन इनका अपना काम स्टार्ट। फिर मतलब दोनों ही एक दूसरे की आंखों में ऐसे खोए होते हैं जैसे कि पता नहीं कहाँ किस दुनिया में गुम होए हुए रहते हैं। बट ठीक है, प्यार मोहब्बत जुनून पागलपन ज़रूरी होता है, बट हमारी जो शय होती हैं वो जुनून या पागलपन नहीं होता है, वो शय जो होती हैं वो कृष्णा से बेहद संजीदगी से प्यार करती हैं। तो फिर ऐसे ही लेट के कृष्णा उनके फेस पे अपनी फिंगर्स को फिरा रही होती हैं। तो फिर क्या करती हैं हमारे ऐशा, उठती हैं और उनको अपने नीचे ले लेती हैं, और फिर उनके माथे पे, उनके आईज पे, उनके चेक पे, उनके लिप्स पे किस करती हैं, और बहुत प्यार से करती हैं। उनके प्यार में ना कोई वो हार्डनेस या मतलब गुस्सा या इरिटेशन या कुछ भी नहीं होता। और फिर वो अपने प्यार को दिखाते हुए फिर वो कृष्णा के गले की तरफ पड़ती हैं, और फिर देन किस करते हुए वो कहीं ना कहीं कृष्णा जो होती हैं वो मदहोश हो रही होती हैं उनके किस से, और उनको उनका किस कहीं ना कहीं भी काबू कर रहा होता है। तो कहती है कि कृष्णा कि तो खाना नहीं खाना आपको? तो कहती हैं कि यार कृष्णा, तुम्हारी कितनी ख़राब टाइमिंग है ना, तुम गलत टाइम पे क्यों बोलती हो यार, इस टाइम पे खाना कौन खाता है? और मेरी जान, मैं इस टाइम खाना नहीं तो मैं खाना चाहती हूँ, ऐसा बोलती हैं, और उनकी तरफ अपनी आंखें दबाते हुए मतलब आंख मारते हुए उनके लिप्स पे अपने लिप्स रख देती हैं। और वो जो होता है कि उनको ये चीज़ देख के हमारी थोड़ी कृष्णा शर्मा जाती हैं, और शर्माने के बाद और फिर इन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। और स्टार्ट होने के बाद हमारे जो कृष्णा होती हैं वो बस अब खुद को शाह के हवाले कर चुकी होती हैं। फिर शाह इतना बेइंतहा किस करती हैं कि किस करते हुए धीरे धीरे उनके नेक की तरफ बढ़ती हैं, उनको किस करती हैं उनके नेक पे बड़े प्यार से, और उनके नेक पे वो निशानियां बना रही होती हैं। और हमारे इधर कृष्णा बोलती हैं कि शाह प्लीज़ धीरे, हाँ निशान बन जाएगा। तो कहती हैं कि तो क्या हुआ, कौन सा तुम्हें कोई देख रहा है? और देख भी रहा है तो बोल देना, तुम्हारे पति ने दिया है। तो कहती हैं कि ऐसे शर्म आ जाती हैं, और वो उनकी शब्दों में जो मतलब बोली रहती है ना हमारे कृष्णा को, वो वर्डिंग्स मतलब उनकी आँखों को झुकाने के लिए काफ़ी होते हैं, या आँखों को बंद करने के लिए काफ़ी होते हैं। वो धीरे धीरे उनके नेक की तरफ, उनके शोल्डर की तरफ आती हैं, और उनका प्यार बस
पड़ रहा होता है, तूफान सा पड़ रहा होता है, तो वो अपना हाथ उनके पल्लू तक ले जाने से पहले वो अपना शर्ट के बटन इतनी ज़्यादा उनमें वो रहता है कि क्या रहता है यार, मुझे नहीं समझ आ रहा है क्या बोलूँ, खुद पे कंट्रोल नहीं रहता कि वो बटन्स खोलती हैं और श्या इतनी जल्दी में होती हैं अपने बटन्स खोल के, और वो श्या के कृष्णा के पल्लू पे हाथ रखते हैं, पल्लू हटाते ही श्या रुकती नहीं है, उनके लिप्स पे किस करती चली जाती है। फिर कभी थोड़ा सा होता ना कि कभी डीप और बस सांसों की गहराई हो और कोई शब्द ना हो, कुछ ऐसा ही उन दोनों के बीच होता है। लिप्स पे इतना डीप किस करने के बाद धीरे धीरे नीचे आती है, नेक पे किस करती है बहुत प्यार से, उनके शोल्डर पे किस करती हैं, फिर चेस्ट पे, फिर धीरे धीरे उनके अम्बिलिकल तक किस करती हैं, तो हमारी कृष्णा के मुंह से आह निकल जाता है और वो क्या होता है कि जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा गहरी सांसें कृष्णा ले रही होती हैं और वो गहरी सांसें बता रही होती हैं उनके प्यार की कहानी। पता नहीं हमारी श्या पे ऐसा क्या नशा चढ़ता है कि यूँ अपने प्यार में इतना वो डूब गई होती हैं और अपने प्यार को इतनी गहराई से महसूस करती हैं कि वो गहराई उनके सांसों में उतर रहा होता है और फिर हमारी कृष्णा आती हैं श्या के ऊपर और उसी जुनून उसी मोहब्बत के साथ वो भी श्या के आँखों पे, उनके चिक पे, उनके लिप्स पे, उनके बदन का कोई कोना नहीं छोड़ती हमारी कृष्णा जिस पे उनके प्यार की कहानी ना हो। और बेहद संजीदगी से वो प्यार लुटा रही होती हैं श्या पे। फिर वैसे लिप्स उनके ऐसे मल अपने होठों को उनके होंठे पे रख के इतने वाइल्ड किस करती हैं कि उनका हमारी श्या का लिप्स कट जाता है और कहती हैं कि धर्मपत्नी इतना भी निशानियाँ मत दो कि ऑफिस वाले घर आ जाए, तो कहती हैं कि कोई नहीं आ रहा चुप करो। तो फिर वो नेक पे आती हैं, फिर से इन दोनों को एक मदहोशी छाने लगती है और फिर वो फिर से उनके शोल्डर, उनके चेस्ट, उनके अम्बिलिकल तक, और वो दोनों उस रात उस मौसम में उस ठंड सर्द हवा में कहीं ना कहीं उनके प्यार की खुशबू फैल रही होती है। और जिनको उम्मीद नहीं होती कि कभी मिलेंगे या कभी उनमें प्यार होगा, वो प्यार की जो कहानी होती है ना लिखते वक्त दोनों की आँखों में एक खुशी, एक सुकून होता है जब दोनों ही थक जाते हैं तो अलग होके लेटते हैं। तो इधर हमारी श्या कहते हैं, अगर थोड़ा सा कृष्णा दूर सो ही रहते हैं, कहते हैं यार इतना दूर क्यों, इतनी दूरी बर्दाश्त नहीं होती कृष्णा, प्लीज़ नज़दीक आ। उनको अपने बाहों में भरती हैं सीने से लगा के, उनकी धड़कने सुनते हुए सो जाती हैं कृष्णा और
और इधर इनका जो प्यार होता है मुकम्मल तो हो ही चुका होता है, बस प्यार जताने का तरीका होता है जो वो जता रहे होते हैं एक दूसरे पे। फिर सोते हैं तो नींद खुलती है, रात के 3 बजे तो हमारी शव बोलती हैं कि कृष्णा यार भूख लगी है, तो कहती हैं कि आप ही ने तो नहीं खाया था, तो तुम्हें भी तो भूख लगी होगी, तो चलो कुछ खाते हैं। तो कहती हैं ठीक है, तो वो बेड से उतरती हैं और कहती हैं कि कृष्णा तुम ये रुको मैं लेके आती हूँ। तो जो कि हमारी कृष्णा कुछ पहनी नहीं होती हैं और श्रेया यूँ हट रही होती हैं उनसे, तो उनको खुद को ऐसे देख के बड़ी शर्म सी आ रही होती हैं, उनकी आँखों में वो लाज वो है या उनकी आँखों में दिख रहा होता है। तो जब जो श्रेया होती हैं अपना शर्ट पहन के खड़ी होती हैं, तो श्रेया उठती हैं अपने कबट खोलती हैं और उसमें से अपना एक शर्ट जो लॉन्ग शर्ट होता है वो देती हैं, कहती हैं ये पहन लो अब ठीक है ना। तो हमारी कृष्णा बस मुंडे हिला देती हैं और वो मुंडे हिलाने के बाद कहेंगे जानमन अभी मैं आ रही हूँ ठीक है। तो और हमारी शादी को काफ़ी वक्त भी हो गया है, तो इतना तो शर्म आना नहीं चाहिए, बट हाय जब शर्म आती है ना तो दिल पे छुरियाँ चलने लगती हैं। 10-5 मिनट मैं अभी आई, तो वो जाती हैं जल्दी से अपना प्लेट लगाती हैं और खाना लेके पानी लेके ट्रे में पहुँचती हैं। कहती हैं कि कृष्णा तुम्हें भूख नहीं लगी थी, तो कहती हैं कि मुझे तो भूख बहुत पहले से लगी थी ना। तो कहती हैं कि फिर बोला क्यों नहीं, तो मैंने बोला तो था आप ही नहीं रुके। तो अरे यार सॉरी कृष्णा मेरी वजह से तो भूख ही रही। तो कहती हैं कोई बात नहीं अभी तो खा रहे हैं ना, चलो अभी खा लेते हैं। तो ये दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को खाना खिलाते हैं, एक ने वाला कृष्णा श्रेया को खिलाते, एक ने वाला श्रेया कृष्णा को खिलाती हैं, ऐसे खिलाते हुए खा पी के फिर ये सोते हैं। फिर सुबह होती है, फिर इनकी मॉर्निंग होती है और इस बार पहले कृष्णा की नींद खुलती है और वो जाती हैं वॉशरूम में और नहा के फ्रेश होके आती हैं। तो नॉर्मली तो वो कुर्ती और जीन्स वगैरह पहनने लगी होती हैं वहाँ पे, बट हमारी जो कृष्णा होती हैं यार कोई कुछ भी पहने, जो ट्रेडिशनल वेयर होता है ना उसमें इंसान की खूबसूरती अलग ही दिखती है। तो वो उस दिन सब बाकी सब छोड़ के उस दिन वो साड़ी पहनती हैं, तो वो आके अपना पल्लू और ठीक कर रही होती हैं, तो उनके बालों से पानी टपक रहा होता है, तो वो बालों को बस सुखाने के लिए बालों को इधर से उधर करती है, तो जो पानी का छींटा होता है वो जाके श्रेया के पीस पे पड़ता है, श्रेया की आंखें खुल जाती हैं और सामने कृष्णा दिखती हैं। और वो अपने साड़ी का पल्लू ठीक करके अपने साड़ी का अपन कमर से ठीक कर रही होती हैं और उनकी कमर हमारी श्या के चैन सुकून उड़ाने के लिए काफ़ी होते हैं, वो जैसे दिख रही होती हैं और गीले बाल वो भी ऊपर से वाइफ साड़ी में, तो आग तो लगेगी यार ज़रूरी लगेगी। तो उनकी आँखों में उनके कमर को देख के एक लालच एक खुशी एक प्यार भर भर के उमड़ रहा होता है जो कि समझ ही सकते हैं आप सब। तो वो धीरे से अपने बेड से उठती हैं और जाके श्रेया को सॉरी कृष्णा को श्रेया बैक हग कर लेती हैं
कि हाय जाने मन, ये तुम्हारी कमर मेरे दिल में आग लगा रही है, और इतने सस सवर के कहाँ जा रही हो? तो कहती हैं कि कहीं नहीं, मैं आज सोचा कि मैं आज कुछ ट्रेडिशनल पहन लूँ। तो कहती हैं कि ओके, तो मुझे तो लगा कि आज मेरी मेरा कत्ल ही करना है आपको। तो कहती हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? तो कहती हैं नहीं, इस गेटअप में माशाल्लाह बस जिंदगी नहीं जा रही है, बाकी सब जा रहा है। तो पता नहीं इस दिल में हजार तितलियां फड़फड़ा रही हैं ऐसे देख के, और उनको टर्न कराती हैं अपने तरफ, और इस लालच को हमारी जो शान कृष्णा होती हैं श्रेया की आंखों में देखते हुए कहते हैं कि जी नहीं, आप इधर ना बढ़ें और चाय फ्रेश हो, ऑफिस जाना है। तो कल रात काफ़ी था। तो कहती हैं कि क्या ये तुम्हारे लिए काफ़ी था? मेरे लिए तो कुछ काफ़ी नहीं है यार, तुम्हें ऐसे देख के मुझे ऑफिस जाने का मन नहीं हो रहा। तो कहती हैं कि आप कोई बहाना नहीं चलेगा, फट से उठो और जाओ ना। तो उनको उनके हाथ को अपने कमर से छुड़ाती हैं और कबट खोलती हैं, टॉल देती हैं और उनको वॉशरूम में धक्का देते हुए चली जाती हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं, इतना ही रिकॉर्ड कर सकती हूँ यार, अब से नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है। और चलिए देन, मिलते हैं आगे, कल या जैसा भी हो मिल जाएगा एपिसोड आप सबको। और देन बाय, गुड नाइट। और हाँ, एक चीज़ तो मैं बोलना भूल ही गई, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और ठीक है, इतना ही काफ़ी है। बाय, गुड नाइट।